अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर सेफ एंड साउंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 1। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द वॉक पेज। बिफोर मूविंग टू वॉक पेज, लेट अस रिवाइज द फर्स्ट लेसन। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट स्पेस, सोलर सिस्टम, एटमोसफेयर, स्टार्स, सन, मून एंड द काजिंग ऑफ डे एंड नाइट, राइट? We came to know that solar system is basically all about sun and the 8 planets. But when we talk about space, space means everything that is present: stars, moon, dwarf planet, planets, sun, moon, everything is included in space. Okay. After that, we came to know that Earth is a planet while sun is a star. Earth is surrounded by a layer of air that is called atmosphere. जो अर्थ है हमारा वो एक एयर हवा की लेयर्स के साथ घिरा हुआ है अबाउट 600 किलोमीटर्स तक, और उस 600 किलोमीटर्स के बाद हमारा जो है वो स्पेस स्टार्ट होता है। देयर इज़ नो लाइट और एयर इन स्पेस, देयर इज़ जस्ट डार्कनेस एज फार एज एनी वन कैन सी। जहाँ तक भी अगर स्पेस में जाके आप लोगों की नज़र दौड़ती है तो आप लोग देखोगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और कुछ भी नहीं है। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट सन। सन इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस हैं और वो बहुत ज़्यादा गैसेस से मिलकर बना है। सन इज़ मच बिगर देन द ऑल द अदर प्लैनेट्स। सन जो है, सूरज जो है, हमारा स्टार जो है, वो बाकी जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सब से भरा है, इंक्लूडिंग अर्थ। अर्थ भी, अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स मीन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अर्थ जो है और अदर जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं। बट आर अर्थ, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। हमारे अर्थ एक दिन या 24 घंटे लेता है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने के। अर्थ मूव्स अराउंड द सन बाय टेकिंग द टाइम ऑफ 1 year 365 days। अर्थ की जो मूवमेंट सन के गिर्द होती है, दैट मीन्स व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स ऑर्बिट टू कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन अराउंड द सन, इट टेक्स वन कंप्लीट ईयर। आफ्टर दैट वी केम टू नो अबाउट मून, दैट मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ एंड इट इज़ स्मॉलर देन अर्थ। सेम इज़ द केस विद द मून, दैट मून हैज़ नो इट्स लाइट और रिफ्लेक्शन। मून इज़ अ नेचुरल सेटेलाइट बिकॉज इट गोज़ अराउंड द अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के गिर्द घूमता है। आफ्टर दैट वी केम टू नो अबाउट द काजिंग ऑफ डे एंड नाइट, एंड दैट डे एंड नाइट आर काज्ड बाय द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ। व्हेन अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन, दैट स्पिनिंग मूवमेंट काजेस डे और नाइट। When one side of the earth faces the sun, in that part of the earth is day, and the other part that is away from the sun, there is night time. So when there is daytime for the other half of the earth people, at the same time there is a night time for the other half of the earth people. Okay. So this was our first lesson. So work page at page number 3. This is part A. A glossary is an alphabetical list of words relating to a specific subject or their meanings. Glossary हम लोग कहते हैं words meaning को, जिसमें हम लोग alphabetically मतलब A, B, C इस तरह accordingly हम words को उनके meanings के साथ जो है हम राइट डाउन करते हैं। नो व्हाट इज़ योर एक्टिविटी, यू हैव टू राइट मेक योर ओन ग्लोसरी बाय फाइंडिंग द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट मीनिंग। ओके, कि आपने अपनी ग्लोसरी बनानी है। हमें उन्होंने मीनिंग्स दिए गए हैं लेकिन हमने उनकी एग्जैक्ट करेक्ट टर्म वो हमने इनके सामने लिखनी है। ओके, सो कमिंग टू वर्ड्स द फर्स्ट वन,
द पार्ट ऑफ द टाइम ऑन द साइड ऑफ द अर्थ विच इज़ फेसिंग द सन, मतलब वो साइड अर्थ का जो सन को फेस कर रहा है, सन की तरफ है, इज़ वो क्या होता है? यस दैट्स डे टाइम. यस द प्लैनेट वेयर वी लिव, वो सियारा, वो प्लैनेट जहाँ पे हम लोग रहते हैं. यस यू नो दैट दैट इज़ अर्थ. सो राइट इट डाउन. नंबर 3, अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट कौन सी है? यस मून. वेरी गुड. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द 4th पार्ट, द पार्ट ऑफ द टाइम ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, मतलब वो अर्थ का हिस्सा जो सूरज की तरफ नहीं है. दैट इज यस दैट देयर इज नाइट टाइम. वेरी गुड. द टाइम द अर्थ टेक्स टू गो अराउंड द सन, हेयर व्हाट यू हैव टू क्लैरिफाई इज दैट उन्होंने यहाँ पे हमें सन का पूछा है कि जब अर्थ सन के गिर्द घूमता है. ओके उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो 24 आवर्स में करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन, दैट मीन्स 1 ईयर. ओके नाउ लुक एट द पार्ट बी, लुक इन अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट दीज वर्ड्स मीन. अब आप लोगों ने डिक्शनरी में देख के इन वर्ड्स के मीनिंग लिखने. फर्स्ट वन इज प्लैनेट, सो प्लैनेट अर्थ एंड स्फीयर, सॉलिड हैविंग द फिक्स्ड शेप, मतलब सॉलिड की जो कोई भी रिजिड बॉडी होती है उसे हम कहते हैं सॉलिड. रिफ्लेक्शन द प्रोडक्शन ऑफ एन इमेज बाय लाइट, मतलब लाइट रोशनी की मदद से अगर किसी का साया बनता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. सेटेलाइट एंड नेचुरल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, मतलब एक नेचुरल ऐसी चीज़ जो ऐसी चीज़ जो प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व करती है. ओके थैंक यू.